पौड़ी शहर में नशेड़ियों पर नकेल कसने की मांग को लेकर शहरवासियों ने एसएसपी से मुलाकात की है। इस दौरान तेजी से अवैध नशे के कारोबार पर चिंता जाहिर की है। वहीं हिमालय बचाओ आंदोलन की सदस्य पूनम कैंतूरा ने कहा है कि जिले में अवैध नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्कूलों के बाहर नशेड़ी आए दिन जमघट लगाए बैठे रहते हैं, जिससे स्कूली बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा है कि इसके लिए पुलिस की अलग अलग टीमें पहल ही गठित की जा चुकी है और साथ ही छुट्टी के समय स्कूलों के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा चुकी है। का एक ग्रुप जो है वो आया था और उन्होंने यही बताया कि पौड़ी के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे बच्चों के द्वारा जो है युवा जो है उनके नशे का सेवन कर रहे हैं। और उसके बाद उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ ऐसे पेडलर्स हैं जिनको उनके द्वारा चिन्हित किया गया है और उसको आश्वासन दिया गया कि सूची उनके द्वारा दी जाएगी तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें ना सिर्फ पेडलर्स पे, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि पेडलर्स के माध्यम से जो इनके बड़े सप्लायर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा चल रहा है तो उसमें पौड़ी जनपद बहुत बुरी तरह से घिर चुका है और हम लगातार विगत वर्षों से इस नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें बड़ी खुशी भी है कि महिला एसएसपी हमारे जिले में आई हैं और हम पहले भी उनकी कार्यशाली से परिचित हैं, तो इसी विषय पे हमने ज्ञापन में बड़ी अच्छी चर्चा उनसे की है कि जो नशे का कारोबार पूरे जनपद में फैल रहा है, कोटद्वार हो, श्रीनगर हो, पौड़ी हो, या इवन की गाँव गाँव घर घर तक, स्कूल में, कॉलेज में, और लड़के नहीं लड़कियाँ भी इसकी चपेट में आ चुकी है, तो उसी विषय में हमने उनसे बात भी की और हमने पूरा उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इस विषय पे वो कार्य कर रही है लगातार।